मेन गेट हो चालू है, उड़ेगी नहीं, उड़ेगी नहीं। अरे 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 गंदी बात, चल यहाँ पर आकर के छिलने लग। कुछ भी हाथ कट जाते, हाथ कट जाता है, हम बातें करने के लिए दुखता है। बातें करने को मुझे दुखता है क्या? मेरा हाथ कट जाता है मम्मी, मैं रोती हूँ। हाँ रोती है तो सभी रोहित हाथ कट देगा तो मैं भी रोऊंगी। मैं रोती हूँ शायद किसी को पता नहीं को नमाज निकाला करती। तो यहाँ पर है हम अदरक इफ्तारी का खाना भेजने के लिए, लेकिन आज ही नहीं भेजने का है, पर मसाला पहले ही बना के रखे हुए, लाइट की प्रॉब्लम होती है ना इसलिए। मैं अभी छिले बैठी हूँ, इन लोग ही छिल रहे थे। है अजान ने रोजा, तो अजान देखो चश्मा ही लगा के सो गया है। चने भाई रोजे से, बेटा उधर बैठो, उधर बैठ जाओ। दूर हो गया है थोड़ा थोड़ा पीला, समार छाटा जा रहा है यहाँ पे, बहुत ही पीला नहीं हो गया। यहाँ पर जेबा ने बना ली चने, फिर से रेसिपी शूट करना भूल गए। यही काम मैं बताया नहीं कि मेरे को वीडियो बनाना है, मैंने चने बना ली, ये पारा पड़ रहा है। हाँ मैं कुरानी पढ़ रही थी तो इसे चने बना ली यहाँ पर, लेकिन चने का लुक अच्छा आया है। और लाइट चले गई यहाँ पर, वीडियो लेते लेते लाइट बंद। यहाँ जेबा का बन चुका है चना, चटपटा चना वाला, और अभी बना रही है ये पोहा। वैसे टाइम है लेकिन अभी सिर्फ मटेरियल लगा के रख रही है। तो यहाँ पर पोहे के लिए आलू, प्याज, हरी मिर्ची, समार और फली दाने सब निकाल के रख दिए। यहाँ पर डाल दिए, कल समोसे वगैरह फ्राई करे थे ना, इस वजह से तेल ये हो गया, तो वो तेल को क्यों वेस्ट करेंगे, उसी में पोहा बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे अभी फली दाने, फ्राई कर लेते हैं। और क्या करें इसमें? अच्छा फली दाने में नमक भी डाल देंगे, मैं नहीं डालती फली दाने में नमक। सही राइस फ्राई डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए प्याज, साथ ही करी पत्ता भी है और हरी मिर्चे है, सारा इकट्ठे डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा ना क्या बोलेंगे कि सूखने देंगे, मतलब ताकि आलू के अंदर सॉफ्ट हो जाए, गल जाए करके, और इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। कर देंगे इसमें थोड़ी सी नीचे प्याज और आलू हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें मम्मा के ऐड कर दिए और हल्दी डाल दिए, इसमें हल्दी भी डाल दी, इसको भून लेंगे। हल्दी बना के रुक गया, अभी इसमें पोहा ऐड करने का है, तो ये इंस्टेंट अभी से बना के रख दी थी, और एक साइड में रोटी बन रही है। तो मिक्स अब बन के रेडी हो गया, अब इसमें जस्ट सामान ऐड कर देंगे, हो गया आपके रेडी पोहा। पागल उठा रही, बाप रे सारे पसारे उठा के रख रही है उल्टी में। हाँ दिखता ही नहीं किसी को, क्या करेंगे बेटा। हाँ ना कितना काम करती है लड़की। हाँ अब क्या रहेगा ना, अब देख लो और क्या रहेगा बेटी मेरी। आराम भी कर लो ना थोड़ी देर, बहुत काम कर रहे हैं ना, अब बहुत काम हो गया, अब कपड़े उठा के रख जा रहे हैं छोटे छोटे हाथों से। अल्लाह रहम करे, पूरा कचरा साफ होगा क्या? हाँ इतना से भी कचरा नहीं रहना चाहिए। हाँ ना कचरा झाड़ने के बाद में हाथ से भी उठा रही है, ये अम्मा ने कर दिया कचरा, है ना। तैयारी मस्जिद जाने की, क्या ले जा रही है आज? ऐसा
चने भी जा रही है। हाँ। अच्छा बच्ची। हाँ अहराम पहन ले। हाँ दूसरा दूसरा अहराम बोल रही ना मम्मी, व्हाइट वाला। रहने पहनने दे उसको, वही बोल रही थी रहने दे। नहीं वाला है, नहीं और व्हाइट वाला। उल्टा है ना बेटा, वो उल्टा कर लेना, पहन लेना तूने। अहराम पहनना देखो। हाँ उल्टा, पूरा उल्टा पहना है गया है। सीधी पहन उसको, अहराम है ना। हाँ तेरा भैया पहना रहा है ना अहराम। हाँ नेचेस पहना रहा है ना भाई। हाँ दिखा इधर, सही हुआ। हाँ भाई ने अच्छा बनाया। भाई को थैंक यू बोल दो। थैंक यू भैया। दे रहा है अजाना। अजान ने रोजा रखा है और अनायजा ने नहीं रखी है, लेकिन अनायजा टिफिन देने जा रही है ना मस्जिद में। क्या रोजा करी है तूने? हाँ हाँ बराबर है, सही है सही है, रोजा रखी है इसने। अच्छा भाई कितने अच्छे से पहना के दे रहा है ना सैंडल। अनायसा टाइम होने को है, बोले रुक जाओ अभी, रुक जाओ थोड़ी। इफ्तार हो गई, नमाज हो गई, लेकिन अनायसा थक गई। सबसे ज्यादा कौन थका? मैं। हाँ क्योंकि उसे बहुत काम करी है, थक गई इसलिए सो गई। हो रहा थक के देखो, बहुत थक गई। हाँ तो भी नहीं लगता ना। हाँ बहुत काम कर रही है ना। हाँ सोने तो बोलते उसको। बात में अब बर्तन उठावा था काम। बर्तन उठा रहे हो, खा रहे नहीं, ले जाके रख रहे पूरा। हाँ बुरा लग गया बाप रे। हो गई और हम लोग भाभी और मैं थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकले हैं, और अभी खाना खाने का बचा हुआ है। देखते हैं इफ्तारी के बाद में खाना खाने का वैसा दिल होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो नहीं भी खाते हैं। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, खाते कि नहीं खाते घर के। लेकिन बाहर में अच्छा लग रहा है अभी ठंडी में, लेकिन चांद अलग है और थोड़े दूर पर तारा है। चांद वहाँ पर है और तारा इस साइड में है, और कल चांद और तारा दोनों बहुत पास पास में थे। चाय तो पी करके हो गई हमारी, और अभी देखो बिचकित। हाँ बिचकित खा रही है ऐसा है ना। इफ्तारी करी थी तूने, क्या खाई थी इफ्तारी में? क्या तरबूज? मैं साबुदाना सुनी, साबुन सुनी, साबुन तरबूज खाई थी इसने है ना। हाँ मैंने नहला दी थी, मैं भी नहीं डाली थी। तो मैंने नहला दी थी ना उसको, जब भी मैं भी नहीं आती। अभी अभी नहीं नहलाते, अभी ठंडी में को रात को नहलाएगा। हाँ सुबह तो मैं अपने घर में नहलाऊंगी उसको। मैं भी नहलाऊंगी। पहले खुद नहा ले। हाँ तो पहले तू नहा लेना, फिर उसको नहलाना। तेरे को तो मम्मी को नहलाती है, मम्मी नहला के देती है ना तेरे को। वो हाथ धोती है। हाँ तो उनको कैसे नहलाएगी तू? इसमें कोई बोला गया अगर किसी को शाइनिंग मार रहा है बहुत। ये आगरे के पेठे की खास बात है कि ऐसा शाइनिंग वाला दिखता, वरना इधर का पेठा ऐसा नहीं होता है। है ना। तो चलिए हम खाते हैं इसको भी। और रस तो बहुत होता है इसमें, जैसे रसीला होता है, और हमारे इधर में जो पेठा मिलता है ना उसमें इतना रस नहीं। हाँ एकदम हार्ड होता है वो बहुत। अरे तू भी खा रही ना।
रस बहुत है इसमें ना, देख देखा अनायसा के मुंह में पूरा रस है पेटी का। आज का व्लॉग हम एंड करते हैं आगरे के पेठे के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोल दे अनायसा, मुंह में पेठा बोलते हैं पेठे के साथ में, अल्लाह हाफिज। मुंह में पेठा है, उसे मुंह में पेठा है, मेरे हाथ में थोड़ा सा बचा हुआ है।